हेलो स्टूडेंट्स, तो समस्ते जमीक जाथ तो आज तुम्हारे 10 टे एग्जाम अच्छी, तो ये तो 10 टा बाजेनि, तो से तुमको टी पूर्व क्वेश्चन दौर तो ये सब क्वेश्चन तुम यूनिट टेस्ट क्वेश्चन जोटा कि 10th क्लास जोमेट्री तो जो तुमको कही पूर्व भी इनफर्म करी तुम अनुशीलन 1B जाए से तुम क्वेश्चन आसो, तो मुझे भावुँ तुम समस्ते इनफर्मेसन पाइव। तो देख तुम क्वेश्चन सब देखनी जोटा कि तुम फुल मार्क रहा 25 मार्क, तो यहाँ तुमको क्वेश्चन पैटर्न भी जोटा कि तुम सर्ट क्वेश्चन पड़े 5 मार्क। तो फास्ट देखनी सर्ट क्वेश्चन जोटा कि तुम 5टा सर्ट क्वेश्चन तुमको दिखाई। तो फास्ट क्वेश्चन देखनी जोटा कि AB 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, DE 3 सेंटीमीटर, हेले EF केते, जोटा कि चित्र तुम यही चित्र को देख लिखाई चित्र 1 रे, तो यहाँ हूँ तुम चित्र 1। तो यही चित्र 1 रे तुम बाहर कर EF केते। तापर बी क्वेश्चन भी तुमको से चित्र 1 रे देखिक तुम बाहर कर SC केते, बुझिपार। तापर सी क्वेश्चन तुम देख, सी क्वेश्चन देखिए त्रिभुज ABC रो ABC कोणर समधिखंडक AC को डी बिंदु रे छेद करे, AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, हेले पचार AD आउ CD केते, ठीक अच्छे। तो यहाँ तुम 3टा सर्ट क्वेश्चन। तापर 4 नंबर देख जोटा कि डी AB देखिए तुमको 1.5 × BC, हेले EF बाय FD केते, जोटा कि ये चित्र 2 रे, ये चित्र 2 को देखिक तुम EF बाय FD बाहर कर, ठीक अच्छे। आउ ये सब तुम L1 समांतर, L2 समांतर, L3 आउ T1 आउ T2 हूँ दुईट छेदक, ये भी तुम से L1 समांतर, L2 समांतर, L3 आउ T1 आउ T2 हूँ छेदक, ठीक अच्छे। तापर ई क्वेश्चन देख, ई क्वेश्चन भी तुम देखे AC रा मध्यबिंदु B हेले EF रा ड्यास गुण होउचे FD। AC रा मध्यबिंदु B हेले AC रा मध्यबिंदु तुम बी कि नहीं, तो AC रा मध्यबिंदु B हेले EF रा ड्यास गुण होउचे FD, माने EF रा केते गुण होउचे FD, तो सेटा तुमको पचार चित्र 2 की देखिक तुम यार आंसर कह, ठीक अच्छे। तो तापर 2 नंबर क्वेश्चन देखनी, तो 2 नंबर क्वेश्चन तुमको देखा पूर्व आपको प्रथम तुम खातार लिखनी कि आर आंसर करनी, वीडियो पॉज करके आंसर भी तुम कर पार, कि प्रथम गोटे खातार क्वेश्चन सब लिखनी, तो तापर तुम आंसर भी कर पार, तो आंसर करके मत टेलीग्राम पर्सनाली सेंड कर, ठीक अच्छे। तेल आम 2 नंबर देखनी, 2 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे तुम, तो तापर 2 नंबर क्वेश्चन देख जोटा कि तुम एटा 10 मार्क गोटा को सब तुम 2 2 मार्क, एटा 2 मार्क, एटा 2 मार्क, तापर एटा भी तुम 2 मार्क, एटा भी 2 मार्क, एटा भी 2 मार्क। क्वेश्चन देखनी जोटा कि त्रिभुज ABC रे AB आउ AC रा मध्यबिंदु यथाक्रमे X आउ Y हेले दर्शा जे XY समांतर BC, एटा तुम ए क्वेश्चन 2 नंबर ए। 2 नंबर बी हूँ चित्र 3 रे, ये चित्र को देख, एटा हूँ तुम चित्र 3, ये चित्र 3 रे L1 आउ L2 द्वारा उत्पन्न छेदितांश किए, तापर L2 आउ L3 द्वारा उत्पन्न छेदितांश किए, सेटा ये चित्र देखिकी लिख। तापर सी क्वेश्चन हूँ तुम एटा, तापर डी क्वेश्चन देख, ई क्वेश्चन देख, ठीक अच्छे। या तुम खातार लिखिपार कि आंसर भी एका बेले करपार। तो तुम 2टी जो लंग क्वेश्चन मुझे, तो लंग क्वेश्चन देखनी, तो देख यहाँ हूँ तुम 2टा लंग क्वेश्चन जोटा कि गोटे हूँ 3 नंबर आ गए 4 नंबर। तो तुम क्वेश्चन देख पार, 3 नंबर तुम देखे एक त्रिभुजर 2 बाहू को समानुपात अंतर्विभाजन करुवा रेखा उक्त त्रिभुजर तृतीय बाहू सह समांतर, यहाँ तुम प्रमाण कर जोटा कि 5 मार्क। तापर 4 नंबर भी तुम यहाँ प्रमाण कर जोटा कि 3टी परस्पर समांतर सरल रेखा को 2टी सरल रेखा छेद करने द्वारा छेदक रेखा द्वय उपर उत्पन्न होता अनुरूप छेदितांश मान दैर्घ्य समानुपाति होता, तो 2टी जाक 5 मार्क। तो ये ही तुम क्वेश्चन जोटा कि तुम टोटाल हूँ 25 मार्क। तो तुम क्वेश्चन तुम पाइल, तेज आंसर जोटा कि तुम एवं 10टा बाजिज, तो 10टू 11टा भितर मत टेलीग्राम पर्सनाली आंसर करके सेंड करदब, ठीक अच्छे। आ जो मैंने टेलीग्राम जॉइन है ना, तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दि जाइए, तुम जॉइन भी हो पार, तो जो मैंने एग्जाम देवाई चाहूँ तो टेलीग्राम जॉइन हो जाओ और आंसर करके मत टेलीग्राम पर्सनाली सेंड कर। तेल 11टा भितर समस्त आंसर सेंड कर नब, तो क्लास टू को आम ये रखुचे, तो तुम क्वेश्चन पाइल तो आंसर करवा स्टार्ट करनी जोटा कि 11टा भितर मत सेंड कर, ठीक अच्छे।